फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। तो अभी 12:30 का टाइम हो रहा है और मैं ना यहाँ पे सारा काम करके फिनिश करके तो मैं चाय बनाने के लिए आ गई थी अपने लिए, कि मैंने कहा तो मैं चाय बना लेती हूँ। नहा भी मैंने लिया है, शाम को नहा लिया है और हम अभी चाय बना रही है अपने लिए। और चाय बना के मैंने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया, क्योंकि इतना टाइम इसलिए हो गया क्योंकि आज ना मेरे से क्या हुआ, दूध गर्म करती हूँ, सारा यहाँ पे गिर गया और दूध गिरने के कारण वो सारा यहाँ पे ना मैस हो गया। तो जो इसका काम जो था ना, जो ज्यादा बढ़ गया। अभी टाइम हो रहा है 1:25। हाँ, 20 से 25 मिनट हो रहे होंगे, इतना टाइम हो रहा है। और अब मैं चाय पी के हटी हूँ और खाना खा के हटी हूँ। सुबह का मैंने कुछ नहीं खाया था और ईशान ने भी नहीं खाया था, ईशान ने सिर्फ जूस पिया था। तो अभी इसको खाना दिया मैंने, उसने भी खा लिया है। और इसका बस मैं इसको होल डे होमवर्क करवाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि रिटर्न वर्क इसका हो चुका है। सिर्फ इसका ना जो प्रोजेक्ट वगैरह है वो वाले करवाने हैं, तो वो मैं करवा रही हूँ। सोच रही थी कि इसको बता दूँगी, कर तो ये खुद लेगा, सिर्फ समझाना है थोड़ा सा कैसे कैसे करना, तो फर्क खुद लेगा। अभी टाइम हो रहा है 6:15 और मैंने ना, मेरा मन था चाय पीने का। मैंने बोला कि मैं ईशान चाय बनाने जा रही हूँ, तो ईशान ने मेरे को बोला कि मम्मा आज चाय मैं आपको बना के पिलाऊँ। तो मैंने सोचा कि आप इसको कौन सी चाय आती है, मैंने बोला कि आपको चाय आती है। इसने बोला चाय मेरे को आती नहीं है, लेकिन आप मेरे को बताए जाना तो वैसे वैसे मैं चाय बनाई जाऊँगा। तो गलत, मैंने इसको मना कर दिया कि नहीं चाय नहीं बनानी, तू आग का काम है तू मत कर। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं पास खड़ी हो जाती हूँ तो ये चाय बनाएगा। अब मैं इसको बताऊँगी कैसे कैसे चाय बनेगी तो ये बनाएगा। मैंने को बोला कि आज मैं आपको बताऊँगी, लेकिन सेकंड टाइम जब आप बनाओगे ना चाय, तो फिर आप अपने आप बनाओगे, फिर मैं नहीं बताऊँगी। तो देखिए अभी ईशान चाय बनाएगा। हेलो, चलो बनाओ, पहले गैस ऑन करो। हाँ, अभी इसमें पानी मैंने डाल दिया है, आप इसको रख दो यहाँ पे, ठीक है? ठीक से रखो, गिरेगा वो। अभी पहले, सबसे पहले चीनी डलेगी इसमें, देखो कहाँ पे है। यस, कितने हुए? 3। चलो ठीक है, अभी और क्या डलेगा इसमें? चाय पत्ती। हाँ, तो फिर निकालो चाय पत्ती, कहाँ पे देखो, कहाँ पे है? ये चाय पत्ती है। चलो, ये हाँ थोड़ी सी और, क्योंकि मैं थोड़ी चाय पत्ती कम पीती हूँ तो ये चाय नहीं मेरे को अच्छी लगती। चलो ठीक, बस ठीक। अभी इलायची डलेगी इसमें, तो ये लो इलायची, इसमें से निकालो। और वो पड़ा हुआ देख, उसको उठाओ, इसको इसके अंदर डालो। वन बिस्को क्रश करना जोर जोर से, बस बस इतनी जोर से भी नहीं। चलो अभी चाय में डालो इसको, इसको भी उठा के डाल दो। चलो अभी रखो इसको साइड पे, रख दो वहाँ पे। अभी दूध साथ में डाल दो, क्योंकि मैं दूध ना साथ में डाल देती हूँ, ठीक है? वेरी गुड। अब गैस को थोड़ा सा सिम कर दो, बस। अभी धीरे 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 थोड़ी चाय क्या होगी, उबलेगी चाय तो वो कट जाएगी ना, फिर अच्छी से टेस्टी चाय बनेगी। फर्स्ट टाइम है। तो अभी चाय तो मैंने ईशान को बनानी सिखा दी है, बता भी दिया कैसे बनती है, देखो कैसी बनती है। अब मैं चाय ना पी के देखती हूँ कैसी बनी है, थोड़ी ज़्यादा गर्म है।
चाय अच्छी है। तो चलिए मैं अभी चाय पी लेती हूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ। सबसे पहले मैं वो बांधा, उसको खोला हुआ है ना शीट को, उसको बांधाऊंगी क्योंकि ना शाम हो गई है तो धूप तो चली गई है, तो उसको ऊपर बांधाऊंगी कि थोड़ी सी हवा चल रही है तो हवा थोड़ी अंदर भी आ जाए। तो अभी टाइम हो रहा है 7:45 और अभी मैंने ना थोड़ा सा खलास मिटा है। सुबह ना मैं जब किचन धो रही थी ना, तो जिसमें मैं सर्फ साबुन वगैरह गत्ते के डब्बे में रखती हूँ, वो गत्ते के डब्बे ना सारा गीला हो गया था नीचे से, तो उसको मैंने बाहर धूप में डाल दिया था सूखने के लिए, तो अभी वो सूख गया था, तो उसमें सारा मैंने सामान डाल दिया है। और अभी मैं दाल बनाने जा रही हूँ, दाल में मैं ना मूंग और मसूर की दाल होती है ना वो बनाने जा रही हूँ, जो मिक्स दाल होती है, जो रेड और येलो वाली दाल होती है ना वो वाली दाल बनाने जा रही हूँ, और साथ में चपाती बनाऊँगी। और मेरी ना थ्रेडिंग देखिए कितनी बड़ी बड़ी वाली हो गई है, तो इसको भी करवाने जाना है मैंने। तो यहाँ पर मैंने आटा गूंद के रख लिया है और दाल मेरी बन चुकी है, और इधर मैंने रखी है राइस, तो राइस बन रहे हैं यहाँ पे, और बर्तन भी मैंने साफ़ कर लिए हैं। अभी टाइम हो रहा है 8:50 और मैंने ऐसा सोचा था कि दाल और चपाती बनेंगी, क्योंकि मूंग और मसूर की जो दाल होती है ना उसके साथ चपाती भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जब मैंने ईशान से पूछा ना कि अब ना आप क्या खाओगे, चावल या चपाती, तो इसने बोला कि मैं राइस ही खाऊंगा मम्मा। फिर मैंने ऐसा किया कि इसके लिए और अपने लिए राइस रख लिए, और इनके लिए मैंने आटा गूंद के रख लिया, जब ये आएंगे ना तब मैं फुलके बना दूंगी इनके लिए, क्योंकि ये स्टीम राइस नहीं खाते, जो येलो वाले तड़के वाले चावल होते हैं ना वो ये खा लेते हैं, जिसमें आलू या वेजिटेबल्स वगैरह डली होती है वो खा लेते हैं, लेकिन स्टीम चावल होते हैं ना जो बिल्कुल सिंपल होते हैं वाइट वाले, वो नहीं खाते, बिल्कुल भी नहीं खाते। तो इसलिए फिर मैंने अपने लिए और ईशान के लिए चावल बना लिया, और इनके लिए बनेगी चपाती। बस सारा काम मेरा हो गया, दाल मेरी बन चुकी है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।